हाँ सर, 1,20,000 बता रहे हैं रेट उसके का। सर 1,20,000 नहीं बताया सर जी, कितना है सर? 12,00,000 रुपए बताया सर। 12,00,000 रुपए। हेलो हेलो। हाँ सर, आप पुराना सिक्का खरीदने वाले बोल रहे हैं? आप कहाँ से बात कर रहे हो? सर बिहार से बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ बोलो सर। सर आप वहीं ना बोल रहे हैं? हाँ सर, राजेश शर्मा बात कर रहा हूँ ओल्ड कॉइन कंपनी से। अच्छा, ओल्ड कॉइन कंपनी। सर हमको, मेरे पास एक सिक्का है, जैसे कि आपका देखे थे नंबर एक जगह वीडियो में, तो हमने अच्छा, सर आपका नंबर लिखे हैं, आपको कॉल किए हैं। सर अच्छा, सच में खरीदते हैं? सर बोल दिया ना, अब आपने कॉल किया है तो सच में नहीं खरीदते तो क्या करते हैं सर? नहीं, हमको लगा कहीं गलत जगह लग गया हो सर। तो मेरे पास जो सिक्का है सर, वो 1947 का है। अच्छा जी जी, तो उसका क्या प्राइस होगा सर? सर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे सेंड करो, मैं आपको जब बता देता हूँ कितने में सेल होगा। ठीक है, व्हाट्सएप, इस पे व्हाट्सएप नहीं है क्या? सर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जिससे बात कर रहे हो, इस पे भेजना होगा? हाँ सर, इस पे भेजना होगा सर। ठीक है तो सर, वो 1947 वाला जो है ना इंडियन रुपीज। अच्छा, वही है सर। अच्छा। जी जी, हाँ तो सेंड करो ना, आप व्हाट्सएप पे सेंड करो, बाद में बता देते हैं आपको कितने का बनेगा। पूरा प्रोसेस क्या है सर, बता दीजिएगा हमको। सर मैंने बोल, ऐसे नहीं बता सकते सर हम जी, ऐसे नहीं बता सकते सर। मतलब ये तो बता सकते, मतलब प्रक्रिया कैसे होगी? मान लीजिए वो प्रक्रिया में हम सक्षम ही ना हो, फिर उस नजर हम आपको भेजने में लगा दे समय ये सब। सर देखो, हमने आपसे बोल दिया ना, पहले अपना व्हाट्सएप पे डालो सर, हम बता देते हैं कितने में सेल होगा सर। ठीक है, बाद आपका फॉर्म अप्लाई होगा सर, 899 रुपए में सर। ठीक है, कंपनी आपका पेमेंट तभी अलाउड करेगा सर। ठीक है, जिस एड्रेस पे आपको पेमेंट लेना, वह अपना एड्रेस सेंड करना होगा सर। ठीक है, अच्छा अच्छा, मतलब फॉर्म भी भरना पड़ेगा सर? आपका फॉर्म अप्लाई होगा ना सर, आपका पेमेंट कंपनी तभी तो अलाउड करेगा। अच्छा अच्छा, फॉर्म अप्लाई करना होगा सर, उसमें क्या क्या लगेगा हमको? सर 899 रुपए लगेंगे सर। नहीं नहीं, उसमें कोई कागज भी लगेगा फॉर्म भरने में? अरे यहीं से हम भरेंगे ना सर, यहाँ से हम भर के देंगे ना सर, आपको कराना होगा अपनी तरफ से, हम यहाँ से फॉर्म भर के देंगे, आपको दिखाया जाएगा सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी तुरंत भेजेंगे? अभी तुरंत देख के बता दीजिएगा हमको। हाँ तुरंत बता देते हैं, अपना एड्रेस है सेंड करो। ठीक है, हाँ एड्रेस हम सेंड कर देते हैं, पहले ये बताइएगा तो ना पूरा प्रक्रिया। मान लीजिए प्रक्रिया में कहीं हम से नहीं हो, पैसा क्या करना है? पैसा मतलब भेजिएगा या जैसे कि मतलब कि हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा? सर ये आपको आप कंपनी का अकाउंट दिया जाएगा, आपको उसमें कराने होंगे सर। ठीक है, अच्छा अच्छा, ओ मतलब तो कितना रुपए मिल जाएंगे उसका बताइए तो ना। मान लीजिए उतना फॉर्म भी भर दे या पैसा कहीं उतना ही लगभग मिले, तो क्या फायदा होगा हमको? सर एक ये व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करो, तब मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसी पर ना? इसी पर सर। हाँ इसी पर सर, जिससे बात हो रहा है। ठीक है सर, ठीक। हेलो। हाँ सर, देख लिए? चलो मैं देख के अभी बताता सर। ठीक है, ठीक। हेलो हेलो। हाँ सर, 1,20,000 बता रहे हैं रेट उसके का। सर 1,20,000 नहीं बताया सर जी, कितना है सर? 12,00,000 रुपए बताया सर। 12,00,000 रुपए। हाँ सर। सर क्या क्या करने पड़ेगा बताइए प्रोसेस तुमको? सर अपना एड्रेस सेंड करो, जिस एड्रेस पे आपको पेमेंट लेना है, अपना आधार कार्ड दोनों साइड से, एक अपना फोटो सेंड करो सर। अच्छा अच्छा, उसके बाद सर मतलब जैसे कि अपना भेजना होगा ना? सर अपना भेजो, जिस एड्रेस पे आपको पेमेंट लेना है। अच्छा, ये मतलब पेमेंट कैसे मतलब हमको मिलेगा? ये सर कंपनी से दो बंदे आएंगे सर, आपको कैश में पेमेंट होगा सर। क्या कैश में? हाँ सर, अपना एड्रेस डालो पहले सर। ठीक है, अच्छा एड्रेस, जैसे कि देखिए ये सिक्के जो है मेरे दोस्त के हैं। ठीक है, तो सर अपना एड्रेस डालो, जिस एड्रेस पे आपको पेमेंट लेना, पहले अपना एड्रेस सेंड करो। ठीक है, तो वही पूछ रहे हैं ना, मतलब अपना डालना होगा कि अपने दोस्त का डालना होगा? सर चाहे अपना डाल दो, अपना दोस्त का, किसी का भी डाल दो सर। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या करना होगा हमको बता दीजिए ना। सर मैंने पहले अपना एड्रेस सेंड करो सर, फिर मैं आपको बाद में बता देता हूँ सर। एड्रेस तो हम भेजिए देंगे, मतलब बता देंगे तो फिक्र हो जाएंगे ना, उसको बताना पड़ेगा ना। मान लीजिए कहीं ज्यादा दिक्कत होगा तो उसी का दे देंगे एड्रेस।
सर पहले अपना एड्रेस सेंड करो और आगे बाद में बात करना, ठीक है सर? अच्छा तो सर, हाँ सर, पूरा नहीं बताइएगा फिर पैसा जो मान लीजिए एड्रेस भेजना होगा उसके बाद। सर मैंने आपसे बोल दिया अपना एड्रेस पहले सेंड करो, आगे बात तब करते हैं सर, ठीक है? एड्रेस हेलो, बोल रहे हैं कि मेरा दोस्त बोल रहा है कि पहले एड्रेस नहीं भेजेंगे, पहले पूछ लो, पहले पैसा मांग रहे हैं रजिस्ट्रेशन का, कहीं कुछ फ्रॉड हो गया तो। सर अगर आपको यकीन हो तो भेज दो, नहीं तो मैं आपसे कोई जबरदस्ती करा रहा, ठीक है? नहीं सर देखिए, यकीन काहे नहीं होगा, लेकिन मतलब इसे हो रहा है ना, मतलब फॉरवर्ड भी हो रहा है एक दूसरे का आदमी, इसे बात हुआ था तो बताया था, तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि संभल के काम करें, कहीं कोई दिक्कत ना हो। मान लीजिए कहीं रजिस्ट्रेशन का पैसा आपको दे दिया, उसके बाद कहीं आप फोन नहीं उठाया जाए आपका, वो काम नहीं हो पाया, तो सर दिक्कत हो जाएगा ना, हम लोग पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं सर। सर ऐसा नहीं होगा, 100% सेल हो जाएगा सर, ऐसा नहीं होगा सर, ठीक है? अच्छा ऐसा नहीं होगा जैसे कि रजिस्ट्रेशन का पैसा बाद में दें? रजिस्ट्रेशन लग रहा जो आपका फॉर्म अप्लाई होगा ना, कंपनी आपका पेमेंट तभी अलाउड करेगा सर, ठीक है? तो मतलब उसके पहले रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा, 12:30 बजे बताए थे। हेलो सर, मैंने आपसे बोल कंपनी का टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो तुम? मतलब ये बोल रहे हैं सर कि 8:30 बोले थे कि 8:30 बोले थे, मतलब फॉर्म भरने का आपको ना होगा सर, आपको अगर आपको पेमेंट लेना तो फॉर्म भरना होगा सर, नहीं भरते हो तो मैं कोई जबरदस्ती नहीं करा रहा तुम्हारे से, ठीक है? नहीं जबरदस्ती की बात नहीं, मतलब 8:30 बोले थे कि 8:30 बोले थे सर। सर पहले अपना एड्रेस सेंड करो, तुम बाद में करते हैं फोन, ठीक है? ठीक है सर, ठीक। हेलो, नहीं किया अभी आपने? अभी फोन किए थे ना उसको, तो बोल रहा है कि नहीं कहीं दिक्कत हो जाएगा, पहले पैसा मांग रहा है, ऐसे होता है तो दिक्कत हो जाता है, पूछो कहाँ से बात कर रहा है। कहाँ से सर बात कर रहे हैं आप? सर मैं अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ, राजेश शर्मा। अहमदाबाद से सर, कौन एक दो वीडियो में देखा है, बोल रहा है कि नहीं पैसा जो पहले मांगता है ना वो सब फ्रॉड करता है, पैसा लेके गायब हो जाता है, वो इसलिए वो भट रहा है पीछा। हम अपने पर रिस्क नहीं लेना चाहते, कहें कि उसका सिक्का है, हम रिस्क लें, कोई दिक्कत हो जाएगा तो हो गया। नहीं सर, सर अगर आपको यकीन नहीं आता तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं आपसे कोई जबरदस्ती नहीं करा रहा, ठीक है? हाँ वही सर बात है, वहाँ से भी कम पैसा अपना लगाए, कहीं कोई दिक्कत होता है तो उस पैसा देगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल करा देता हूँ, ठीक है सर, ठीक है।